साथियों, दनकौर का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसके लिए लगातार लोग आवाज उठा रहे हैं कि यहाँ पर सुविधाएं घटती जा रही हैं। हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, नीरज सरपंच जी हैं, राजू उपाध्याय जी के अलावा राकेश जी हैं, धर्मी भाटी जी हैं, जगदीश अग्रवाल जी हैं, ये लोग सब इसमें सुविधाएं बढ़ाने की मांग करते आ रहे हैं। तो आज जेवर के विधायक धीरेंद्र जी ने यहाँ का निरीक्षण भी किया है, तो इन्हें उम्मीद जगी है कि इन्होंने हाल ही में जो ये बीड़ा उठाया है सुविधाएं बढ़ने का, कि यहाँ पर सुविधाएं बढ़ेंगी। ये खरीद के लाए कार्ड वगैरह अपने पैसे से, फिर वहाँ से पेमेंट कराई हमने, जबरदस्ती करवा के ये करवा, ये पहले ही थे जो नहीं रहते चाड़ा रोटी कर रहे कोई आदमी है इस बंदी पर। बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ कोई एक स्टाफ मुझे मिल जाए जिससे मैं उससे बात कर लूँ क्या क्या होना, तो कोई आदमी नहीं है इस वक्त, सब ताले बंद हैं। पीएचसी सुचारू चले फिर सीएचसी की तरफ बढ़े, सुचारू हमें ये चाहिए, सीएचसी पीएचसी चले। हाँ, अगर बिल्डिंग खराब है जल जल करके नई छत बनवाओ, कुछ भी कराओ। ये है कि ये यहाँ जो सब हो रहा है, यहाँ की छत भी बंद थी, फिर जो उनके पास गए तो यही चालू हो गई। मेन प्रॉब्लम है सीएमओ साहब को यहाँ की बिल्डिंग को लेना है, बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, इसकी रिपेयर की जरूरत है। क्या रिपेयर कराऊँ, वही तो छत आप किसी भी। विधायक जी, क्षेत्र की बड़ी समस्या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दनकौर, लोग आवाज उठा रहे हैं लगातार कि सुविधाएं घटती जा रही हैं। आपने यहाँ निरीक्षण भी किया, आपके साथ में लोग भी मौजूद हैं, राजू उपाध्याय, उन्होंने भी शिकायत की थी, और भी कई लोग हैं जो शिकायत करता है यहाँ पर, तो आपने तौर से आज मैंने पाया कि इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बहुत दुर्व्यवस्था है, और जो तैनात लोग हैं वो यहाँ समय से नहीं आते। अभी मैंने सीएमओ से कहा है कि आखिर जो भी बिल्डिंग की यहाँ आवश्यकता है मुझे बताएं, वो मैं उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन स्टाफ की तैनाती सीएमओ स्तर से होनी है तो उन्हें करनी चाहिए। इसके लिए आज ही मैंने एक पत्र भी लिखा है जिलाधिकारी को, चूँकि हम विकास खंड की ज़मीन हमारे पास विकास खंड खत्म होने के बाद खाली पड़ी हुई है, तो वो ज़मीन अगर वो स्वास्थ्य विभाग को दे दें तो वहाँ हम सीएचसी का प्रस्ताव भी भिजवा सकते हैं और इस पीएचसी को सुचारू वहाँ चला सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी और अच्छी जगह है। तो इसमें प्रयास जारी है और बहुत जल्दी यहाँ जिन भी कर्मचारियों की डॉक्टर्स की तैनाती है वो यहाँ नियमित बैठे, इसके लिए मैं उनका रोस्टर भी मंगा रहा हूँ और अपने कार्यकर्ता की ड्यूटी लगा रहा हूँ, जिससे रोजाना उनकी उपस्थिति मेरे ऑफिस तक पहुँच सके और मैं उच्चाधिकारियों को इस दुर्व्यवस्था से अवगत करा सकूँ। नीरज जी, आज आप लोगों ने आवाज उठाई है, विधायक जी ने भी यहाँ का निरीक्षण किया, क्या उम्मीद है? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो हमारे जो दनकौर नगर पंचायत के जो हमारे सभासदगण यहाँ हमारे साथ में मौजूद है, जो समाज सेवी जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, ये समय समय पर कई बार चाहे वो सीएमओ तक हो चाहे वो डीएम साहब तक हो, मतलब सभी प्रशासनिक स्तर पर जाकर हम लोग यहाँ की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए अपनी समस्या को और उनकी शिकायत को रखते रहे हैं। लेकिन आज जैसा कि विधायक जी यहाँ एकदम औचक निरीक्षण के लिए आए, तो आज उनके आने से हमें यहाँ पूरी उम्मीद जगी है कि यहाँ इस अस्पताल में सुविधाओं का भी, और जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी यहाँ देख के गए हैं विधायक जी भी, कि कोई भी कर्मचारी ना तो यहाँ डॉक्टर टाइम से आते हैं, कई डॉक्टर तो ऐसे हैं कि जो मतलब महीने में एक या दो बार ही बस आते हैं, कभी भी कोई लोग आ जाए, यहाँ क्षेत्र के लोगों को बहुत ज्यादा असुविधा है। और एक ऐसा अस्पताल है कि जिस पर मतलब पूरे क्षेत्र के कई गाँव 140 गाँव है, तो 114 गाँव है सॉरी, लेकिन सुविधाओं के नाम पर बिल्कुल नदारद है। लेकिन आज विधायक जी के आने से हम लोगों की आस जगी है कि हो सकता है यहाँ पर कुछ क्षेत्र के लोगों के साथ मतलब एक न्याय हो सके। साथियों, हम आपको दिखाएंगे विधायक जी ने